नमस्कार, और मैं हूँ सौरभ कुमार। आज हम खड़े हैं इस बगीचे में कुछ दोस्तों और यारों के साथ। ये बगीचा युगांडा की धरती पे है, जहाँ पे अभी आज डेट 26 दिसंबर है, जाड़े की मौसम है, हल्की हल्की हवाएं ठंडी बह रही है। आप देख सकते हैं हम स्वेटर में हैं, पर यहाँ आपको बगीचे में बड़े बड़े कच्चे पके आम मिल सकते हैं। आज हम इसी पे एक चर्चा करने वाले हैं यहाँ के गार्डन मैनेजर से। आज हम जानते हैं इसके बारे में। प्लीज कैन यू कम? सो वी हैव अ मैंगो हियर। इज इट अवेलेबल ऑल मंथ ऑफ द ईयर और इज इट अ सम स्पेसिफिक मंथ ओनली व्हेन वी कैन गेट मैंगो इन युगांडा? दिस मैंगो is not everywhere, but is scattered. Okay. Few people have this mango. Mm-hmm. This mango is from a Greek. Okay. Greek. A Greek. Okay. Yeah. So it had been imported from the Greek. Yes. Okay. That's why you see that you can see there are few here in the places. Okay. Because this mango can have two seasons a year. Mm-hmm. The first season is on August. Mm-hmm. And this is the last season. Okay, so we have one in August, one in December or January? Yeah. December to January. Yeah. December to January. Yeah. How? What about the taste? Then this mango is sweet and have small seeds. Okay. And is so sweet. And is this is not the size, yeah. And is bigger than this one if it's red. Okay. Yeah, so yeah. It is still a small. Yeah, it's still young. Okay. It's so bigger than this one if it's red. And this mango, if you want it to grow like this, you spray it in a. After three weeks, okay. You spray, use the chemicals. You okay. Spray. So you use chemical to make it ripe and ready? Yes. Okay. And you avoid the diseases, the flies and the insects and the birds to avoid the pollination. Okay. Because if they make the pollination, they take away the chicks. The chicks cannot do that to make a good mango. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much for joining us. Let me talk to some of my other friend. Please come. Papuji. ये है हमारे पप्पू जी। हेलो, हाय, हाउ आर यू? ये बताएंगे ये हाँ, कितने दिनों से आप युगांडा में हैं? करीब 7 ईयर। ओके, तो आप 7 साल से यहाँ पे हैं। आपको हमेशा अगर देखा जाए, चाहे वो महीना जनवरी का हो, चाहे दिसंबर का हो, चाहे जून का हो, यहाँ आम हमेशा आपको मिल जाता है, हमेशा खाने के लिए, पका हुआ कच्चा हमेशा पेड़ पे लगा ही रहता है। अच्छा, एक आपको मैं दिखा रहा हूँ अभी, थोड़ा इधर लेके आइए कैमरा को। एक ट्री है यहाँ पे, उस ट्री में देखिए कि मोजर भी लगा हुआ है, बिल्कुल टिकोला भी लगा हुआ है, बिल्कुल हम आपको रेडी भी मैंगो, तैयार मैंगो भी है उस पे। ये बहुत बड़ी खूबी है, खूबी है यहाँ। आप एक ट्री है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना छोटा से छोटा पीस, बड़ा से बड़ा मैंगो भी रेडी है। इसी पेड़ पे एक और जो फ्लावर भी है यहाँ पे देख सकते हैं, मोजर जिसको हम लोग बोलते हैं, मोजर भी लगा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके साथ टिकोला भी लगा हुआ है, बिल्कुल। ये टिकोला है, थोड़ा नजदीक लाइए, बिल्कुल, या इस टिकोला है और ऊपर से फ्लावर है, बिल्कुल, ये देखिए फ्लावर, फ्लावर अकोला और रेडी अदर साइड। आप कितना ज्यादा उत्साहित हैं, स्पेशली अगर हम बात करें आम के बारे में, कि आपको यहाँ पे आम का बहुत ही अच्छा है, बहुत टेस्टी, और साल की 12 महीने एकदम खाने के लिए मिलता है रेडी। Okay. मार्केट में जाइए, कभी भी जाइए, मार्केट में रेडी मिलेगा आपको मैंगो। तो यहाँ पे पके हुए आम के अलावे और किस किस रूप में आप आम का इस्तेमाल करते हैं? अचार बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, और कभी कभी सब्जी में भी डालते हैं, करेला का सब्जी बनाते हैं उसमें भी डालते हैं आम को। आम बहुत ही यूज करते हैं हम यहाँ पे। आप इंडिया में कहाँ से आते हैं? इंडिया से, बिहार के मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर से हैं। फिर तो आप लीची के काफी या लीची करीब तो, रहे हो। लीची तो ये हैं हमारे दोस्त जो मुजफ्फरपुर से यहाँ युगांडा में रह रहे हैं, वहाँ लीचियों के साथ एंजॉय करते थे और यहाँ आके ये मैंगो के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हम हैं आम आदमी जो आम को ही एंजॉय करना चाहेंगे।